इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल सुआ जोरकट पलामू। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज पर पलामू के आसपास के खबरों के अलावा देश दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारी, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर विमर्श और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है। इसी कड़ी में हमने कैपिटल न्यूज ने एक प्रोमो चलाया था, समस्या आपकी समाधान हमारी, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस स्वास्थ्य सेगमेंट को लेकर हमारी यह कोशिश है कि हमारे जो दर्शक हैं, कैपिटल न्यूज के जो व्यूअर्स हैं, उनकी अगर कोई समस्या है तो और उसकी समाधान के लिए हम प्रयास करें। अलग अलग चिकित्सकों के माध्यम से आपको स्वास्थ्य चिकित्सीय जानकारी, चिकित्सीय परामर्श देने की यह इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। प्रोमो चलाने के बाद हमारे ढेर सारे दर्शकों की प्रतिक्रिया आई, उनके सवाल आए, उनकी समस्याओं को उन्होंने व्हाट्सएप और फोन करके बताया, जिसे हमने संकलित किया है। और आज जिन समस्याओं पर हम बातचीत करेंगे वो है दंत चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्या। दांतों की समस्या को लेकर डॉक्टर विनीत कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारे दर्शकों के सवाल के जवाब देंगे। बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो गढ़ता है आपके बच्चों का बेहतर कल, संवारते हैं उनका बचपन और निखारते हैं उनके हुनर, उनकी प्रतिभा, जहां बनता है आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल। एक सौम्य और शांत वातावरण में, शहर के कोलाहल से दूर और शहर से बिल्कुल सटे सुआ जोरकट में चल रहा है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 7 तक की दी जा रही है शिक्षा। अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त क्लासरूम्स और एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज जैसे गीत, संगीत, नृत्य, खेलकूद, व्यायाम, योग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स, इसके साथ आपके बच्चों के लिए है एसी बस की व्यवस्था, ताकि बच्चे रहें कम्फर्ट एंड सेफ। और बहुत जल्द ही सभी सुविधाओं से युक्त हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी यहाँ, क्योंकि आपके बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। नमस्कार दोस्तों, कैपिटल न्यूज की जो मुहिम है आपके दांत आपके स्वास्थ्य, उसकी देखभाल कैसे करनी है, इस मुहिम में डॉक्टर विनीत सिंह मुझे जो जोड़ा गया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल आए हैं उस मुहिम से, मुंह से जुड़े हुए या दांतों से जुड़े हुए, उन सवालों का जवाब देने का। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की ओर। सबसे पहले दिव्या जी हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, इन्होंने पूछा है कि दांतों के बीच गैपिंग होते जा रही है, क्या इसका एक उपाय है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? नमस्कार दिव्या जी, आपने जो सवाल किया है कि दांतों के बीच में जो गैपिंग होती जा रही है, गैपिंग के कुछ कारण होते हैं। अगर आपके सामने के दांत के बीच में गैप आ रहा है तो ये हो सकता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, सामने वाले जो हमारे नीचे के दांत होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, उसकी वजह से सामने वाले ऊपर के दांतों में गैप होता जाता है। अगर हमारे जबड़े का साइज ज्यादा है और दांत का साइज अगर छोटा है तो उसकी वजह से दांत हमारे छेहर होने लगते हैं उम्र के साथ, जो सामने के दांतों में नजर आते हैं। अगर सामने के दांतों में आपका प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको क्लिप या टेढ़े मेढ़े दांत, तो जो तार के द्वारा सीधा किया जाता है, बाहर निकले हुए दांतों को तार के द्वारा सीधा किया जाता है, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट से मिलके दांतों को सही करवाना होगा। अगर आपका सवाल ये है कि खाने वाले दांतों के बीच में जगह बन रहा है, तो उसका एक कारण पायरिया हो सकता है। खाना फंस रहा है, फंसने की वजह से मसूड़े आपके नीचे जा रहे हैं, मसूड़ों में सूजन है, वो अगर गैप खाने वाले दांतों के बीच में या खाली जगह खाने वाले दांतों के बीच में हो रही है, तो उसके लिए भी आपको दांत के डॉक्टर से मिलके दांतों की सफाई करवानी होगी। और वो जो आपको सलाह देते हैं कि मसूड़े का मसाज करिए, 2 टाइम ब्रश करिए, फ्लॉस यूज करिए, वो उपाय करें, उससे आपका काफी हद तक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। अगले दर्शक हैं हमारे संजीव कुमार, जिन्होंने पूछा है कि दांतों को लाइफ टाइम मिल्की वाइट और स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जा सकता है? संजीव जी, आपका जो सवाल है वो सारे लोगों का सवाल होता है कि अपने दांतों को कैसे मिल्की वाइट या सफेद रखें। तो जो हमारे जो चेहरे का कलर है उसके हिसाब से हमारे दांतों का कलर आता है, जो कि जेनेटिक्स है। अगर हम बहुत ज्यादा गोरे हैं तो हमारे दांतों का कलर जो है थोड़ा येलोइश होगा, अगर हम बहुत ज्यादा काले हैं
तो हमारे दांतों का कलर थोड़ा व्हाइट होगा। हमेशा के लिए दांतों को व्हाइट रखने का कोई भी उपाय नहीं है, आपको दांतों को सफेद या जो नेचुरल कलर आपका जो आया है उसको मेंटेन रखें, वही ज्यादा सही है। कोई भी पेस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं जो दांत चमकाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो माइक्रो लेवल पर दांतों को इरोड करते हैं, दांतों को घिसते हैं, जिसकी वजह से अंदर का परत जो है बाहर आता है और आपको लगता है कि आपके दांत व्हाइट हो गए। कुछ डॉक्टर या कुछ मरीज जो है चाहते हैं कि उनके दांत ब्लीच किए जाए, तो ब्लीचिंग जो एक प्रोसेस है जिसमें दांतों के ऊपर के माइक्रो लेयर को या माइनर लेयर को हम हटा देते हैं ब्लीचिंग एजेंट के द्वारा, ये परमानेंट उपाय नहीं है। हम अपने मरीजों को सलाह देते हैं कि अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है या आपकी मैरिज है तो उस सिचुएशन में आप अगर दांतों को ब्लीच करवा रहे हैं या सफेद करवा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो जनरल डे में कभी भी कोई भी सफेद करने वाला पेस्ट लंबे समय तक आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो लंबे समय में आपको आपके दांतों में कनकनाहट या तकलीफ शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। हमारी एक दर्शक है रश्मि, जिन्होंने पूछा है कि दांत बाहर आ रहे हैं, क्लिपिंग के अलावा क्या कोई और विकल्प हो सकता है जिससे कि लोगों को पता भी ना चले और हमारा इलाज भी हो जाए? रश्मि जी नमस्कार। क्लिप वाली जो बात है, क्लिप तो एक उपाय है जिससे आपके दांतों को, टेढ़े दांतों को या बाहर निकले हुए दांतों को सीधा किया जा सकता है। एक नया तरीका है जिसको इनविजिबल ब्रेसेस या एलाइनर कहते हैं, जिसमें दांत के कलर का या प्लास्टिक के कलर का ट्रे होता है जो आपके दांतों पर पहनाया जाता है, वो आपको जो आप चाह रहे हैं मनचाहा रिजल्ट दे देगा। उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है ब्रेसेस से और उसमें थोड़ा खर्च ज्यादा होता है ब्रेसेस से, तो आप अपने जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो ऑर्थोडॉन्टिस्ट होते हैं, क्लिप तार के लिए आप गूगल पे सर्च करें या देखें जो पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएस ऑर्थोडॉन्टिस्ट होते हैं उनको सर्च करें, आप अपने शहर में या आप जहां भी रहते हैं जो आपको स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट मिल रहे हैं इस चीज के लिए, उनसे आप सलाह ले सकती हैं और इस चीज का इलाज करवा सकती हैं। उसको एलाइनर कहते हैं, जो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप, आपके दांत सीधे हो रहे हैं या आपने कुछ ट्रीटमेंट करा रखा है। अगला सवाल विशाल जी का है, जिन्होंने ये पूछा है कि ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनके दांत में कनकनाहट होती है, क्या इसका कोई अस्थायी समाधान है? उन्होंने यह भी कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? विशाल जी आपका जो सवाल है, अगर आप नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक या पानी पीने से आपको कनकनाहट हो रहा है तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर मैं अभी आइसक्रीम खाऊंगा तो आइसक्रीम का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे होता है, हमारे मुंह का टेम्परेचर जो है 35-36 डिग्री होता है, तो जो टेम्परेचर तापमान का जो डिफरेंस है उसकी वजह से पहला बाइट या पहली बार अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उस समय कनकनाहट लगेगी। लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंट हो रहा है, कंटिन्यूअस आप जितना बाइट भी ले रहे हैं उसके बाद भी आपको कनकनाहट अगर लग रहा है, तो अगर किसी पार्टिकुलर दांत में कनकनाहट है तो उस दांत का इलाज करवाना होगा। आप कुछ अगर कुछ रेमेडी चाहते हैं तो कनकनाहट वाला जो पेस्ट आता है अलग अलग कंपनियां देती हैं वो पेस्ट यूज कर सकते हैं। पेस्ट को सारे दांतों में लगाएं, कुछ देर छोड़ें, उसके बाद फिर मुलायम ब्रश से दो बार जरूर ब्रश करें। अगर फिर भी कनकनाहट नहीं जाती है तो आपको दांत के डॉक्टर से मिलना होगा। धन्यवाद। हमारे दर्शक हैं राजीव, जिन्होंने पूछा है कि कभी कभी मुंह से उनके बदबू आता है, अक्सर उन्हें सुबह में यह महसूस होता है कि उनके मुंह से बदबू आ रहा है, इसके लिए क्या करें? राजीव जी, मुंह से बदबू आना एक आज के डेट में कॉमन कहानी हो गया है, सारे लोगों के साथ ऐसा, सारे लोग नहीं, बहुतायत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। आपको सबसे पहले तो कोशिश करना होगा कि रात का ब्रश करके सोएं, एक माउथवाश जिसको आप डाइल्यूट करके कम मात्रा को ज्यादा पानी में मिला के डाइल्यूट करके आप रात में ब्रश करके कुल्ला करके सोएं, उससे आपको काफी हद तक फायदा हो जाएगा। अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में गंदगी जमा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको दांतों की सफाई करवानी होगी। एक तरीका है स्केलिंग जिसको कहते हैं, जिसमें मशीन के द्वारा दांतों के ऊपर जमी हुई गंदगी या दांतों के बीच में जमी हुई गंदगी या मसूड़े के ऊपर जमी हुई गंदगी को हटा दिया जाता है, जिससे गंदगी हटने से आपके मुंह से जो बदबू आ रही है या दुर्गंध आ रही है उसमें आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। और कभी कभार जो ज्यादा जब गंदगी जमा हो जाती है तो हमारे मुंह के अच्छे बैक्टीरिया जो है वो मरने लगते हैं, उसकी वजह से भी बदबू आती है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होते हैं जो आपको यूज करने होंगे। धन्यवाद। पवन यादव है जो पूछते हैं कि मेरे बच्चे बहुत चॉकलेट खाने की जिद करते हैं, चॉकलेट खाने से क्या दांतों को कोई नुकसान हो सकता है? अगर हाँ तो इसके लिए क्या बचाव करें? गोपाल जी आपका ये जो सवाल है उसमें जवाब यही है कि टॉफी चॉकलेट जो है बच्चों के लिए बना है। आप बच्चों को एक आदत डालें कि अगर पहले तो मात्रा कम करें, बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं खिलाना है,
और एक आदत डाले कि जब भी वो चॉकलेट खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, या फिर कोई भी उस तरह का चीज ले रहे हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो उसके बाद कुल्ला करें। इवन अगर आप बच्चों को रात में दूध भी पिला रहे हैं, उसके बाद बच्चे सीधे चले जा रहे हैं सोने, तो वो गलत है। आपको बच्चों को दूध पिलाने के बाद भी जाके उनको अच्छे से कुल्ला करवाने का आदत डलवाना होगा। रात का ब्रश बहुत जरूरी है। चॉकलेट खिलाएं, कम मात्रा में खिलाएं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी चॉकलेट खिलाते हैं, लेकिन उनको एक आदत दिए हुए हैं या बनाए हुए हैं कि आप जब भी कुछ भी खाइए तो उसके बाद कुल्ला जरूर करिए। अगर हो पाए तो, अगर आप ब्रश यूज कर सकते हैं तो उस समय ब्रश जरूर यूज करें, ताकि कुछ भी दांतों में फंसा ना रहे। अगर नहीं फंसेगा तो सड़न काफी कम या नहीं होगी। धन्यवाद। हमारे एक दर्शक हैं राजू मेहता, जिन्होंने एक सार्वजनिक सवाल पूछा है सामाजिक हित में। उनका कहना है कि उनके जो गांव है, उनके पूरे गांव में अधिकांश लोगों के जो दांत हैं उसमें पीलापन दाग हो गया है। क्या यह जेनेटिक है या फिर पानी का असर है? नमस्कार भाई। अगर आपके सारे गांव के लोगों के दांतों पे कत्थापन है, एक लाइन जो है सारे दांतों पे, सामने के खासकर दांतों पे नजर आ रही है, तो फ्लोराइड का दाग है। इसका उपाय है कि आपको फिल्टर्ड किया हुआ पानी या बेहतर पानी लेना होगा, जिससे दांतों पे जो फ्लोराइड की मात्रा, जो हमारे पानी में फ्लोराइड की मात्रा है, वो दांतों को नुकसान न पहुंचाए। ये जनरली होता है अगर हम जहां जन्मे हैं, जहां मेरी पैदाइश हुई है, वहां के पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो वहां बच्चों, जो हमारे बच्चे होंगे, उनमें दांतों में जो कत्थापन है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पलामू में बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह का प्रॉब्लम बहुतायत रूप में है। अगर बहुत ज्यादा खराब लगता है तो आप दांतों के ऊपर जो नेचुरल कलर है वैसा परत चढ़ा सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं। नहीं तो अगर उन कत्थे दांतों की वजह से शादी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसके ऊपर क्राउन या वेनियरिंग भी करवा सकते हैं, उससे दांत आपके खूबसूरत हो जाएंगे। धन्यवाद। कैपिटल न्यूज की व्यूवर्स प्रिया पांडे पूछती है कि मेरे मामा जी गुटखा बहुत खाते हैं, काफी कहने पर भी वे नहीं मानते। गुटखा खाने के नुकसान बताइए ताकि मैं अपने मामा जी को आपका यह इंटरव्यू दिखा सकूं। प्रिया जी नमस्कार। गुटखा, आपके मामा जो है गुटखा खा रहे हैं, गुटखा का रैपर फाड़ रहे हैं, उसके ऊपर में बना हुआ है एक बड़ा सा खूबसूरत तस्वीर, अगर उसको देख के भी वो डर नहीं रहे हैं तो उनको डराना तो थोड़ा मुश्किल है या उनको समझाना मुश्किल है। मैंने जब क्लिनिक शुरुआत किया था, तो मैं जो आते थे मेरे भाई या बड़े जो आते थे, उनको यही बोलता था कि अगर आपको नहीं छूट रहा है आदत, तो उस चीज को अपने बच्चों से या अपनी वाइफ से मंगवाने का कोशिश करें। हो सकता है कि थोड़ा सा शर्म लगे, तो उन चीजों को हम छोड़ने की कोशिश करें। जहां तक गुटखा की बात है, उससे कैंसर होता है, ये सारे लोगों को पता है। आप अगर गुटखा खा रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो आपको निकटवर्ती डॉक्टर से, दांत के डॉक्टर से या मुंह के डॉक्टर से मिलना होगा और उसका इलाज करवाना होगा। अगर आपको बहुत उनको दिखाना है, डराना है, तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि किस तरह से कैंसर होने के बाद जबड़ों को, जीभ को, गाल को काट के हटा दिया जाता है, चेहरा बदरंग हो जाता है, कहीं ना कहीं खाने में, बात करने में चीजें खराब हो जाती हैं, मुंह कम खुलने लगता है। तो मैंने तो ऐसे केस काफी देखे हैं, जो पेशेंट आज नहीं है, कुछ हैं जो सही समय पर सही जगह पहुंच गए और उनका इलाज हो पाया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने मामा को प्यार से समझाएं, नहीं समझा पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हर एक उम्र है। अगर हम इस उम्र में हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या समझा पाएंगे। तो मुझे भी समझना होगा कि कुछ अगर गलत है तो उसको छोड़े, ताकि घर में कोई कठिनाई नहीं आए। नहीं तो कैंसर वाले मरीजों को कभी कभार घर, जमीन, सब कुछ बेचना पड़ता है, और उसके बाद भी आप अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाते हैं और एक एग्जाम्पल बन जाते हैं अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहर में, कि फलना आदमी का गुटखा खाने से कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो ऐसा एग्जाम्पल न बनने दें उनको, उनको समझाएं आप अच्छी तरह से। धन्यवाद। प्रेरणा सिंह है जो पूछती है कि रात को ब्रश करना कितना जरूरी है, अगर नहीं करें तो क्या नुकसान हो सकता है? प्रेरणा जी, रात में ब्रश नहीं करें। अगर हम लोग कुछ साल पीछे चले जाएंगे, तो आप अपनी दादी से, नानी से, या हो सकता है मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी दो टाइम झाड़ू लगाना कितना जरूरी है, क्या झाड़ू नहीं लगाने से क्या कोई नुकसान हो जाएगा? तो हमारी जो माताएं या दादियां होती थी, वो सुबह में हमारे उठने के पहले झाड़ू लगा देती थी घर से ही। कहीं ना कहीं अगर घर में कोई बाहर से आदमी आ रहा है या भगवान आ रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसी तरह से सामने धूप बत्ती करने के पहले झाड़ू लगा देती थी, कि ताकि चीजें साफ सुथरी रहे सुबह में भी और शाम में, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय झाड़ू लगाया जाता था हमारे घर में, जो धीरे धीरे
खत्म होता जा रहा है। एक टाइम में झाड़ू लगाना भारी हो गया है, घर में नौकर है फिर भी दो टाइम घर में झाड़ू नहीं लग रहा है। तो जहां तक मुंह की बात है, हम सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, खा के सो जा रहे हैं, अगर दांतों में कुछ फंसा रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो सड़न का कारण बनेगा। सुबह में उठिएगा तो मुंह से आपको बदबू की शिकायत होगी, मुंह फ्रेश नहीं लगेगा। दांत अगर आप साफ करके रखती हैं तो कहीं ना कहीं आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे, दांत स्वस्थ रहेंगे, और दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से मुस्कुराइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी मुस्कुराहट काफी अच्छी होगी, और आपने ये सवाल पूछा है तो अपने अच्छे के लिए या दर्शकों के अच्छे के लिए पूछा है। दो टाइम ब्रश, रात का ब्रश बहुत ही जरूरी है। सुबह में चीजें जल्दी 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 में छूट जाती हैं, लेकिन रात में 5 मिनट टाइम निकालें, ब्रश करें, थोड़ा मसूड़े का मसाज करें जिससे मसूड़ों में ब्लड फ्लो ज्यादा हो, दांतों में मजबूती आए, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका समाज स्वस्थ रहे। धन्यवाद। दर्शक अनिल राम ने पूछा है कि मुझे किसी ने कहा कि ब्रश करने से दांत पतले हो जाते हैं, दातून करना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? अनिल राम जी, अगर ऐसा होता तो हमारे दांत भी पतले हो जाते, या हमारे गार्जियन के दांत पतले हो जाते, या पूरी दुनिया के दांत पतले हो जाते। आप अगर दतवन कर रहे हैं तो दतवन सिर्फ चबाने के लिए होता है। दतवन एक लकड़ी है, आप करंज करें, नीम करें, सखुआ करें, जो आपको इच्छा है करें, आम करें, अमरूद करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो रस है आपके दांतों मसूड़ों के लिए उपयोगी है, उससे आपको फायदा हो जाएगा। आप उसको चबाएं, जितना चबाएंगे वो उसका जितना रस निकलेगा आपके दांतों मसूड़ों के लिए अच्छा है। दांतों के बीच की जो जगह होती है वहां पे दतवन कभी भी नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए आपको पतले ब्रिशल वाले, मुलायम ब्रिशल वाले ब्रश का ही यूज करना होगा। ब्रश करने से कभी भी दांत पतला नहीं होगा। आपको हार्ड ब्रश नहीं यूज करना है, ताकत लगा के ब्रश नहीं करना है, आपको झाड़ू लगाना है। आप सीख वाला झाड़ू होता है, महीन झाड़ू होता है, तो जैसे घर में आप सफाई कर रहे हैं उसी तरह से आपको दांतों की सफाई करनी है। दांतों के बीच में जो गंदगी जमा है वो हट जाएगी और कहीं ना कहीं आपके दांत और मसूड़े मजबूत रहेंगे। धन्यवाद। राजकुमार जी हैं जो पूछ रहे हैं कि दांत से उनके कभी कभी ब्लड आता है, क्या यह कोई गंभीर समस्या है? नमस्कार भाई, आपका जो सवाल है कॉमन सवाल है। आजकल हमारा खान पान जो है वो खराब हो गया है, कहीं ना कहीं हम लोग सॉफ्ट डाइट ज्यादा ले रहे हैं, मुलायम खाना ज्यादा खा रहे हैं, चबाने वाली चीजें कम खा रहे हैं, बेकार चीजें ज्यादा खा रहे हैं, दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, दांतों पे गंदगी जमा हो रही है, दांतों के लिए टाइम नहीं है। इस 24 घंटे में भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 5 मिनट अपने मुंह और दांत के लिए निकाल पाएं, तो उसकी वजह से जो हम खा रहे हैं या समय के साथ जो गंदगी जमा हो रही है उसकी वजह से मसूड़े में सूजन होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से जहां जहां मसूड़े में सूजन है वहां से आपको ब्लड आने की शिकायत होगी। इसको पायरिया कहते हैं। पायरिया एक बड़ा टर्म है जिसमें मसूड़े से खून आना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों में लालीपन होना, दांतों का समय हिलना, ये सारी चीजें पायरिया में आती हैं। आपको अगर ये लक्षण है तो काइंडली आप अपने जो भी पसंदीदा डेंटिस्ट हैं या निकटवर्ती डेंटिस्ट हैं उनसे मिलकर दांतों की सफाई करवाएं, ताकि जो मसूड़े में सूजन या मसूड़ा नीचे जा रहा है वो उसी जगह पे रुक जाए। और कोशिश करें कि दो टाइम ब्रश, रात का ब्रश मैंडेटरी है मेरे तरफ से, और मसूड़े का मसाज करें। आप जो भी पेस्ट यूज करते हैं उसी पेस्ट से अच्छे से मसूड़ों पे लगा के नीचे वाले मसूड़ों को मसाज करके ऊपर की तरफ, ऊपर वाले मसूड़ों को मसाज करके नीचे की तरफ कुछ देर छोड़ें, उसके बाद फिर ब्रश करें, उससे आपको काफी हद तक फायदा हो जाएगा। लेकिन एक बार दांतों के डॉक्टर से जरूर मिले ताकि आपका परेशानी परमानेंटली सॉल्व हो जाए। धन्यवाद। आशिफा खातून हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि मेरी उम्र 48 वर्ष है, मुझे रोज रात को गुल करने की आदत है, क्या इससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है? नमस्कार आशिफा जी। गुल, खैनी, ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से बराबर है। खैनी में पत्ते होते हैं, गुल थोड़ा ज्यादा पीस दीजिए तो गुल हो जाएंगे। ये आदत बहुत ही हानिकारक है, आप अगर गुल नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अगर छोड़ेंगे तो फिर खैनी खाने लगेंगे। गुल भी कैंसर कर रहा है, खैनी भी कैंसर कर रहा है। अगर आप ये आदत छोड़ दें तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम खैनी नहीं खाएंगे, हम गुल नहीं करेंगे तो सुबह में बाथरूम पेट साफ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो दिन भर जो काम करने वाले लोग हैं वो खैनी खा रहे हैं, दिन भर उनको बाथरूम में ही रहना पड़ता। तो ये साइकोलॉजी है कि आपके दिमाग में है कि हम गुल नहीं करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप धीरे धीरे करके या एब्रप्टली एक बार ही उसको छोड़ देंगे तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 48 साल के हैं तो आपका एक भरा पूरा परिवार होगा। आपको देख के अगर आपके बच्चे या उनके बच्चे सीख जाते हैं कि नहीं हमें भी गुल करना है, तो कहीं ना कहीं आप उनको गलत शिक्षा दे रही हैं। आप छुपा के रख लेकिन फिर भी बच्चों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपके बारे में घर में डिस्कशन होता ही होगा कि आप दीदी हो, माँ हो, कि देखो गुल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे गलत असर जाएगा। और कोशिश करना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन को जितना अच्छा आदत दे के जाए, जितनी अच्छी चीजें सिखा के जाए,
ताकि पूरा समाज अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। हमारी एक दर्शक है इंदु देवी, जिन्होंने बड़ा ही कॉमन सवाल पूछा है। आमतौर पर यह अन्य लोगों की भी धारणाएं होती है, दांत कबड़वाने से क्या कोई कैंसर हो जाता है? उन्हें किसी ने यह कह दिया है, तो क्या दांत कबड़वाने का कोई खतरा है, कोई नुकसान है? तो इस बारे में वो बताना चाहते हैं। इंदु जी नमस्कार। दांत निकालने से कभी भी कैंसर नहीं होता है। हाँ, अगर आप किसी आप झोला छाप से या किसी क्वैक दांत के डॉक्टर से दांत निकलवा रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर डायग्नोसिस आपकी नहीं की है कि आप दांत निकलवा रही हैं, उसका कारण क्या है, अगर आप उसको इग्नोर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर हो सकता है। दांत निकालने से ना आंख पे, ना दिमाग पे, ना शरीर पे कोई भी असर नहीं होता है। हमारे मुंह में 32 दांत है, कुछ दांत का यूज नहीं है, कुछ दांत जरूरत से ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो हमारे जो भाई या बहन जो भी दांत के डॉक्टर हैं, वो आपको सलाह देती है कि आप सड़े हुए दांत को निकलवा लें, ताकि उसकी वजह से आपके अगल बगल या ऊपर वाले दांत का नुकसान नहीं हो। और आप अगर दांत निकलवाती हैं और वो जरूरी दांत है जो आप निकलवा रही हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आपको दांत लगवाना चाहिए, ताकि आप सुचारू ढंग से मुस्कुरा सके या सुचारू ढंग से खाना खा सके। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, मैंने कोशिश किया है कि आपके जो भी सवाल आए हैं उनका जवाब अच्छे से दे सकूं, ताकि आपको आपके दांतों को आप सही तरीके से रख सके। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या आपको लगता है कि कुछ और सवाल जो छूट गए हैं, तो आप जो हमारा शुरुआती रील या वीडियो हमने जो बनाया था, जो हमने एक प्रोमो चलाया था, उस पर जाके या कैपिटल न्यूज के मैसेज बॉक्स में जाके आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, ताकि जो भी आपके सवाल अगर कुछ बच गए हैं तो उन सवालों का जवाब हम दे पाए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप जितने और सवाल पूछते हैं उनका जवाब हम समय समय पर आपको देते रहे, ताकि आप अपने स्वास्थ्य का, अपने दांतों का, अपने चेहरों का अच्छे से ख्याल रख सके। मेरे तरफ से सलाह रहेगा लास्ट यही कि कृपया करके गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट कम खाएं, अपने दांतों का ख्याल रखें, दो टाइम ब्रश करें। अगर आपको कोई शुरुआती परेशानी नजर आ रही है तो उसका इलाज शुरुआत में ही करवाएं, क्योंकि जितना आप लेट करते जाएंगे उतना आपका खर्च बढ़ते जाएगा और परेशानी बढ़ती जाएगी। और कभी कभार छोटी छोटी बीमारियां जो है गंभीर रूप ले लेती है, उस समय फिर चीजों को सही तरीके से हैंडल करना मुश्किल होता है, जिससे कभी कभार शारीरिक या फिर फाइनेंशियल नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि समय पर सही डॉक्टर से आप अपना इलाज करवाएं, ताकि कहीं ना कहीं आप भी खुश रहें और समाज भी खुश रहे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विनीत कुमार सिंह को। डॉक्टर विनीत काफी मशहूर दंत चिकित्सक हैं, स्माइल क्राफ्ट के नाम से इनका क्लिनिक चलता है। और आप कैपिटल न्यूज के माध्यम से भी हम आपको यह बताना चाहेंगे कि दांतों से जुड़ी कोई समस्या आपके पास है तो आप उनसे भी व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं, उनसे चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। ऐसे ही समस्याओं के लिए आप बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ, और हम आगे अन्य चिकित्सकों से भी बातचीत करके आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।